नैनीताल जिले के लालकुआ में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर इंडिया गठबंधन द्वारा संयुक्त रूप से सद्भावना यात्रा निकाली गई। बता दें कि सद्भावना यात्रा शहीद स्मारक से गांधी पार्क तक निकाली गई। वहीं इस यात्रा के बाद गांधी पार्क में गोष्ठी आयोजित करते हुए इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया। इसी क्रम में इंडिया गठबंधन के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी के द्वारा देश की आजादी में दिए योगदान पर विस्तार से प्रकाश डाला और सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। लालकुआं से संवाददाता मुन्ना अंसारी की रिपोर्ट। गांधी जी के स्वाधीनता दिन था, ये शहीद स्मारक से शहीदों को भी वहाँ पर याद करते हुए नमन करते हुए और वहाँ से लालकुआ गांधी पार्क में पहुँचे हैं और उनको आज सभी लोगों ने जन भावनाएँ सबकी एक होके और सब इंडिया गठबंधन के लोग सब एक साथ मिलकर गांधी जी को याद किया और उनको चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित किया और आगे यहाँ पर संकल्प लेते हैं हम सभी कि जो उनके दिखाए हुए मार्ग थे, उन्होंने जो रास्ता हमें दिखाया था या उनका जो सपना था ही हिंदुस्तान को आपस में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यानी जो भी जाति धर्म यहाँ पर रहते हैं उनको सबको एक करके एक साथ चलने का जो कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ने का जो उन्होंने सपना दिखाया था, जो मार्ग दिखाया था और उस पर हम आगे बढ़ेंगे, इसी उद्देश्य से आज हम इस स्तर पर पहुँचेंगे। वास्तव में आज जो देश की हालात हैं उन हालातों को देखते हुए पूरे देश में जो गठबंधन का योजना बनी है वो तो बहुत अच्छी है, क्योंकि तमाम तरह से जो है किसानों को, मजदूरों को, नौजवान युवाओं को नौकरी नहीं, महिलाओं को सम्मान नहीं, जो इस तरह का जो चल रहा है पूरे देश में तांडव चल रहा है उसके खिलाफ पूरे देश में कम्युनिस्ट पार्टी माले ने पूरा इंडिया गठबंधन के तहत लोगों को समेट के जो है एकजुट एक आवाज़ बड़ी आवाज़ बनने की कोशिश जो की है, उसी के तहत हम आज जो महात्मा गांधी जी के जो शहादत दिवस मनाया जा रहा है और इस देश पर राज करने वाले ही महात्मा गांधी जी को गोली मारने वाले थे, आज वो जो है चरम सीमा पर पहुंचे हुए हैं और तमाम देश की जनता का शोषण करते हैं। इसीलिए हम जोर शोर से जो है इंडिया गठबंधन के तहत जो है महात्मा गांधी के शहादत दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए।